गौरव भाटिया, आपके तो अध्यक्ष जी राजनीति के चाणक्य कहे गए। मैं कुछ कहना वो तो चाह रही हमेशा थी। नंबर बता देते हैं सर, इस बार नंबर नहीं बताया आप लोगों ने, कितना नंबर जीत के आप आ जाएंगे? नहीं आप बताइए, आप प्रदेश का बताइए ना नाम सर, लीजिए ना। आप मैं आपको राजस्थान में नंबर, कितनी सीट? हमारी जो पिछली सीटें थी उससे ज्यादा आएंगी, सरकार हमारी बनेगी पूरी, कितनी? 165 से ऊपर सीटें आएंगी। 165 से ऊपर सीटें हाँ आप राजस्थान में लाएंगे? बिल्कुल। मध्य प्रदेश में कितनी सीट? मध्य प्रदेश में भी हमारी जो पिछली परफॉर्मेंस थी उससे ज्यादा सीटें आएंगी, 165 के ऊपर आने। हम तो 200 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बनेगी और 165 और 200 के बीच में सीटें आएंगी। छत्तीसगढ़ में कितनी सीट? छत्तीसगढ़ में 49 सीटें थी, 55 सीटें से कम नहीं आएगी, सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी की बनी। गुजरात में याद है आपको, आपने कितनी बताई? गुजरात में सरकार किसकी बनी सर? 22 साल बाद आज एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं ना, एग्जिट पोल सरकार किसकी बनी नहीं बनी सर, ये तो मैं भी कहता हूं। मैं आपको बताता हूं, सरकार दो सीट जीत के बने एक्स्ट्रा या एक सीट जीत के बने, जिसकी बनती है उसी की बनती है। आपने कहा 150 आएंगी, गुजरात में कितनी आई? हाँ गुजरात में 99 सीटें आई, लेकिन फिर भी मैंने एक बात जो इतना प्लस माइनस यहां भी कर लूं। सुनिए, इन तीन राज्यों में मेरी बात पूरी हो जाए सिर्फ। रोहित जी बड़ी बात आज ये है कि दो प्रदेश ऐसे हैं जहां 15 साल से हमारी सरकार है, उसके बाद भी हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बनेगी। एग्जिट पोल कुछ भी आए, 11 तारीख को जब हम आपके सामने बैठे होंगे, मैं जीत का लड्डू जो है भारतीय जनता पार्टी का जरूर कांग्रेस के प्रवक्ता को खिला रहा हूंगा। इसीलिए अमित शाह जी को चाणक्य माना जाता है राजनीति का, वो जमीन पे काम करते हैं, हवा हवाई राजनीति। रागनी अब अपना एग्जिट पोल दीजिए, कितनी सीट आप ला रहे हैं? आपने, मैं दो तीन बातें कह दूं, मैं बिल्कुल कहिए बोलना चाह रही थी। देखिए आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी, 150 का आंकड़ा बता के 99 के चक्कर में फंस गए, 282 कमल सरकार के फूल किसकी खेले बनी ये नहीं बता, तो बीच में एक बार भी नहीं बोली सरकार किसकी बनी ये तो बता। ठीक है ना, अब अगर एक आप लोगों ने अच्छी रवायत शुरू की है एक दूसरे के बीच में नहीं बोलना, तो उसका सम्मान कर लेना चाहिए। बोले 282 कमल के फूल खिलाए थे, पूरा देश देख रहा है, 71-72 पे आ गए, जितने बाईपोल हो रहे हैं सब हार रहे हैं। 71 नहीं, 272 पे, 273 पे, 71-72 पे नहीं, वो कांग्रेस का आंकड़ा है रागनी जी, गलत तो मत बोलिए ना। और हमने कमल के फूल खिलाए हैं, यहाँ कमलनाथ का कमल का फूल तो मुरझा रहा है। एक बार उनको पूरी बात तो करें दें। तो 72 तो ना कहें, ये तो कांग्रेस का आंकड़ा है। मैं शुरू करूंगी तो फिर मर्यादा मर्यादा करके, मैं नहीं चाहता कि मर्यादा क्या डिबेट में नहीं होनी चाहिए। हाँ आप पिताजी माताजी पे जाएंगे, वो अगर मर्यादा है आपको मुबारक। गौरव जी, गौरव जी, मुझे पता है आपको शर्मिंदगी होगी। गौरव जी प्लीज, करना चाहती हूँ और अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं बोलूं। एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी का क्या है? मैं अब आपको दो तीन बातें जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी। ये गौरव जी बहुत देर से बोल रहे हैं, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बड़े मियां ने विकास का आंकड़ा रखने की बात बिल्कुल बंद कर दी है चुनाव में, और इन्होंने भी एक दो आंकड़े बताए हो तो मुझे बता दीजिए, पूरी जनता देश पूरे देख रहा है, कुछ नहीं बताया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में केवल विकास, एक सेकंड फिर चुनौती देता हूं, 50 साल सत्ता में रहे, 5 उपलब्धियां एक भी प्रदेश की बता दे या बैठी है, अभी चुनौती दे रहा हूं, 5 उपलब्धियां बता दीजिए किसी भी प्रदेश की। 50 साल की गौरव भट्टी क्या मैं आज तो विकास का आंकड़ा रखने का वादा भी नहीं पूछ रहे, वो तो नंबर नहीं अलाउ करेंगे। और आपके अगर आपका शो कंट्रोल्ड है मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना एग्जिट पोल दे पाएंगे क्या है आपकी सीटों की स्थिति, आपके पार्टी के तीनों प्रदेश का पूछिए। बात तो मेरी पूरी बात तो होने दीजिए ना। बोले मैं नहीं चाहती कि यहां पर भी कोई झड़प हो या कोई गलत तरीके नहीं, से वो मुझे उम्मीद नहीं होगी। तो मैं चाहती हूँ कि सभ्यता पूर्वक दोनों प्रवक्ता बहस करें। तो देखिए इन्होंने कहा कि माँ बाप के ऊपर चले गए, विक्टिम कार्ड खेलना तो मोदी जी ने गुजरात से शुरू किया, मुझे बोलना पड़ेगा, मैं जवाब दूंगी। विक्टिम कार्ड बिल्कुल जवाब दूंगी, विक्टिम तो भारत रहा जब आपने भ्रष्टाचार बढ़ाया, पैर छूने के लिए जाते हुए 50 फोटोग्राफर को लेकर मोदी जी जाते हैं। आज की जो नोटबंदी के दौरान अपने 90 साल की माता जी को लाइन में खड़ा कर चुके हैं, हिम्मत नहीं बना, मुख्यमंत्री होते हुए अपनी 90 साल की माता जी को घर में नहीं रखते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भी अपनी बूढ़ी माता जी को घर में नहीं रखते हैं, और माता जी को हम राजनीति में लेकर आ रहे हैं, सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय मोदी जी कहते हैं और माता का इशू हम लेकर आ रहे हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय महिलाओं के ऊपर मध्य प्रदेश में बताइए, धान का टोकरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों के हाथों में था, तीन राज्यों की कटोरा को पकड़ा दिया बता दीजिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में ठीक है ओके, बाकी दोनों प्रदेशों में जो ये बात कर रहे हैं, जो आंकड़े इन्होंने बताए हैं उनसे कहीं ज्यादा आंकड़े हमारे आने वाले हैं, आप और हम बहुमत के साथ राजस्थान, हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, 150 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी राजस्थान में, 150 से ज्यादा सीटें, 150 से ज्यादा सीटें राजस्थान में, 55 से 65 आप कह रही हैं छत्तीसगढ़ में,
और मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में भी 160 के आंकड़े के आसपास, मध्य प्रदेश में भी आप कह रही हैं 160 के आंकड़े के आसपास। राहुल गांधी चीटिंग मोबाइल से कर रहे हैं, ये दोनों पार्टियां, आपको सभ्यता प्रेस करनी आती नहीं है, फिर जब सभ्यता मत सिखाइए, पांव पड़ता है तो बिल गिरा कर भागते हैं, माता पिता पे जाना आपका चरित्र है, सभ्यता मत सिखाइए, आपकी घटिया सत्य पे हम लोग आके बहस नहीं करेंगे, बहन बहन बिल्कुल यहाँ पे भी बहन ही बोलूंगा, लेकिन आपके माता पिता पे टिप्पणी करने में नहीं है, प्लीज सभ्यता आपको पता है, राहुल गांधी जी सुनिए मेरी बात, नरेंद्र मोदी जी के माता पिता जी पे आपने टिप्पणियां करी, ये सभ्यता है कांग्रेस की, रागिनी नायक मेरे माता पिता के बारे में बोले ये इनकी सभ्यता है, महिला ना होती ना दो मिनट में समझ में आ जाता आपकी क्या औकात है, ठीक है प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, गौरव भाटिया रागिनी नायक पे मत आइए, आप ही को कह रहा हूँ महिला ना होती तो आपने गौरव भाटिया टिप्पणी करी, नहीं प्लीज समझा देता हूँ, प्लीज गौरव भाटिया नहीं, गौरव भाटिया नहीं, तैयारी करके रागिनी गौरव प्लीज प्लीज, आप लोग गौरव भाटिया, गौरव भाटिया आप लोग राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता हैं, कम से कम इस बात का लिहाज रखें, अपना प्लीज प्लीज हो गया, प्लीज गौरव भाटिया प्लीज, प्लीज अरे महिलाएं गौरव भाटिया जो सबसे ज्यादा सभ्यता रखती है, अपनी भाषा की मर्यादा रखती है, और एक ये प्रवक्ता है गौरव जी बौखला जाती है तो गाली, ठीक है मैं आलोक जी और आशुतोष जी से प्लीज गौरव, गौरव और रागिनी प्लीज चाय रखिए, चाय पीजिए, गौरव जी पानी पीजिए, रागिनी प्लीज आप चाय पीजिए, गौरव पानी पीजिए प्लीज, पानी तो जनता पिलाएगी अभी, ठीक है ना, तो जनता को तय करने दीजिए, आप लोग मत लड़िए, आप लोग मत लड़िए यहाँ पर, आप लोग हालत ये कर देगी आपके मुंह में पानी भी जनता नहीं डालेगी, गौरव भाटिया गौरव भाटिया गौरव भाटिया गौरव भाटिया गौरव भाटिया गौरव भाटिया अध्यक्ष वो है जिनको ये सबसे गुणवान मानते हैं, वो 31 चुनाव हरा चुके हैं, अगर 5 मिनट वो बोल दे किसी भी इशू पे तो आप बताइएगा प्लीज, अब शांति हो गई, गौरव जी गौरव जी आप भी शांति पाठ कीजिए, चलिए आप दोनों की आवाज अब बंद कर दी, चुके होंगे तो यही कहेंगे आप दोनों की आवाज बंद कर दी गई है, आप दोनों की आवाज बंद कर दी गई है।